दोस्तों, अगर आपको कहे कि हमारे पृथ्वी जैसा ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद है तो आपको कैसा लगेगा? एक बार तो ये बात आपको काल्पनिक लगेगी, मगर ये बात सच है। वैज्ञानिक दावा करते हैं कि उस ग्रह पर पानी और जीवन होने की संभावना है। इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी अगर कहे तो गलत नहीं होगा। केपलर अंतरिक्ष दूरबीन से मिले इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने केपलर 452b नाम दिया है। दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार यह ग्रह G2 जैसे सितारे की परिक्रमा कर रहा है। G2 तारा सूर्य के जैसा ही है, उसी तारे की वजह से वहां दिन रात होते हैं। तो आइए आज की इस रिपोर्ट में हम जानते हैं पृथ्वी के जैसे ही ग्रह के बारे में जानकारी। आप इस रिपोर्ट के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप विज्ञान से जुड़े और रहस्यमय जानकारी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे घंटा दबाएं। हर क्षेत्र के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं। दोस्तों, नासा का कहना है कि केपलर 452b पृथ्वी के जैसी परिस्थिति में अपने खुद के सितारे का चक्कर लगा रहा है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तारे की वजह से वहां पर प्रकाश रहता है। इस ग्रह पर जीवन होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। इस तारे के आसपास का यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर परिक्रमा करने वाले ग्रह की सतह पर तरल पानी काफी मात्रा में मौजूद रह सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने वहां पर इस बात की पुष्टि की है कि वहां पर पेड़ पौधे भेजे जाए तो वह जिंदा रह सकते हैं, और एलियन के वहां पर मौजूद होने के बारे में कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। उस ग्रह के बारे में जितनी भी बातें सामने आई है, उससे ये बात तो साफ होती है कि वहां पर जीवन होने की भरपूर संभावना है। दोस्तों, पृथ्वी से बाहर जीवन खोजने की कोशिश कई सालों से चल रही है, लेकिन नासा की इस खोज ने पृथ्वी से बाहर जीवन को खोज निकाला है, और नासा की इस खोज को एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेस टेलीस्कोप केपलर ने इस ग्रह की खोज की है। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। इसने 2015 में गोल्डी लोक जोन में 8 नए ग्रहों की खोज की थी। जिस टेलीस्कोप की सहायता से इन ग्रहों की खोज की गई, यह टेलीस्कोप करीब 1,00,000 तारों पर नजर रखता है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी से यह ग्रह कितना मिलता जुलता है। दोस्तों, यह ग्रह पृथ्वी की तरह अपने ग्रह का चक्कर लगाता है, और यह एक चक्कर पूरा करने में 385 दिन लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लेती है। दोनों की परिक्रमा में केवल 20 दिन का फर्क है। इस ग्रह की परतें भी पृथ्वी की तरह चट्टानी है, और दोस्तों, यह आकार में पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा हो सकता है। अर्थ 2.0 का तापमान भी पृथ्वी की तरह है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अगर यहाँ ऐसा धरातल है तो फिर जीवन संभव हो सकता है। यह ग्रह पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह के बारे में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस पर बहुत सारे बादल और सक्रिय ज्वालामुखी हो सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में अब तक जितने भी ग्रह खोजे गए उनमें से यह ग्रह पृथ्वी से ज्यादा मिलता जुलता है। इस ग्रह की साइज भी काफी हद तक पृथ्वी के समान है। इस कारण कई वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी 2 भी नाम दे रहे हैं। केपलर 452b का पेरेंट स्टार केपलर 452 6 बिलियन साल पुराना है। यह हमारे सूरज से भी 1.5 बिलियन साल बड़ा है और 20% ज्यादा चमकीला है। वैज्ञानिकों की माने तो इस ग्रह पर ज्वालामुखी और पानी मौजूद हो सकता है। केपलर 452b पर जीवन के लिए काफी तत्व और पानी होने की सबसे ज्यादा संभावना मौजूद है, और इसकी सतह के नीचे ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। आपको बता दें, यह प्लानिट हमारे सूर्य से करीब 1.5 अरब साल प्राचीन है। यह प्लानिट अपने तारे से उचित दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अगर कोई ग्रह अपने तारे यानी सूर्य से जितना ज्यादा नजदीक होगा, उतना ही उस ग्रह का तापमान ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा दूर होगा वो ग्रह उतना ही ठंडा होगा। केपलर 452b करोड़ों अरबों सालों से अपने तारे से एक उचित दूरी पर स्थित है। दोस्तों, केपलर 452b पृथ्वी से साइज में थोड़ा बड़ा है। इस ग्रह की ग्रेविटी में इंसान जिंदा रहने की संभावना है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इतने गुरुत्वाकर्षण में इंसान का जीवन संभव हो सकता है। केपलर 452b का तारा हमारी पृथ्वी के तारे यानी सूरज की तरह ही प्रकाश देता है। अगर इस ग्रह पर चट्टाने हुई और
वातावरण विकसित हुआ तो आप छुट्टियों में धूप का मजा ले सकते हैं। केपलर 452 भी हमारे सूरज से थोड़ा बड़ा है। यह ग्रह अपने तारे से गर्मी और प्रकाश लेता है जो कि पृथ्वी से थोड़ा सा ज्यादा है। इस ग्रह के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि इस मौसम में पेड़ पौधे भी जिंदा रह सकते हैं क्योंकि वहां का मौसम सामान्य है। इसका मतलब साफ है कि पेड़ पौधे लगाना संभव है। दोस्तों फिलहाल इस ग्रह पर जाना संभव नहीं है। केपलर 452 भी काफी गर्म है, संभवतः गीला भी, और इसमें पौधों को जीवन भी मिल सकता है। हालांकि यह हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है, यहाँ पहुंचने में ही अरबों साल लग जाएंगे। दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।